जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था वो जिसमें मैंने बताया था कि बुद्धि को कैसे बांधा जाता है और यदि बुद्धि बांध दी गई है तो उसे खोला कैसे जाएगा। बहुत साधारण सी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, लेकिन इस साधारण सी जानकारी को आपने बड़ा गंभीर विषय बना कर लिया। अब मैं आज के वीडियो में जो बात बताऊंगा उसे थोड़ा ध्यान से सुन लेना। किसी का भी जब कोई कार्य नहीं बनता है तो वह बस एक ही उसके पास रास्ता हुआ करता है कि मेरी बुद्धि को बांध दिया गया है। इस वीडियो डालने के बाद से मेरे पास सैकड़ों फोन आए और उनके अंदर जो बातें थी वो बिल्कुल ही अलग थी। मेरा पुत्र किसी के चक्कर में आ गया है और वह घर को ही छोड़कर चला गया है। मेरा पति अब मेरा ही नहीं रहा, उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उसकी बुद्धि को ही बांध दिया गया है। और ऐसे मैं कितने ही सवाल आपको बताऊं तो इनकी संख्या कम नहीं है। दोस्तों, हुआ करता है, लेकिन आप कभी ना सोचें कि अगर ऐसा हुआ किसी के साथ तो बहुत प्रकार के दोष हुआ करते हैं। आप समझ नहीं पाते दोष कहाँ से आते हैं। अपने पास मैंने एक बार बताया भी था, भूमि का दोष, वास्तु दोष, अपने पितरों का दोष, कुल देवी का दोष, जन्म कुंडली का दोष, बाहर का दोष, किया कराया, इस जन्म का दोष, पूर्व जन्म का दोष। अब दोषों की गिनती नहीं है, मनुष्य पर दोष किसी भी जगह से लागू हो जाते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो हम एक ही बात को याद कर लेते हैं कि बुद्धि को ही बांध दिया गया है। किसी का बेटा शराब पीने लग गया, अधिक पीने लग गया, तो मेरे पास शीघ्र फोन आएगा कि जी पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, मेरे बेटे की बुद्धि को किसी ने बांध दिया है। मनुष्य है दोस्तों, गलत रास्ते पे जाएगा, भटकेगा, कोई नहीं रोक सकता। उसका मन चंचल हुआ करता है और वह सारी की सारी ऐसी बातें करेगा कि आपको लगेगा कि इसकी बुद्धि बांध दी गई है। पर आप एक तरफा अपने दिमाग से कभी ना सोचा करें। आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूं वह केवल और केवल उस वीडियो डालने का तात्पर्य यह है कि जो मेरे पास सैकड़ों फोन आए उनमें एक ही सबसे ज्यादा प्रबल बात थी कि जे हम उनके सर पर से कैसे घुमाएं, बेटा तो हमारे पास है ही नहीं। पत्नी कहेगी पति तो मेरे पास है ही नहीं, पति कहेगा पत्नी तो मेरे पास है ही नहीं, किसके ऊपर से घुमाएं। और वीडियो में जो दिखाया गया था कि इस कपूर को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से घुमाएं, अपनी बुद्धि बंधी हुई है तो अब क्या करेंगे, और फिर हाथ में लेकर 7 बार मंत्र को पढ़ें। दोस्तों, इसका जब पूरा विवरण हमने खोजा तो इसमें पाया कि किसी भी प्रकार से आप बिना व्यक्ति के नहीं कर सकते, लेकिन आपका विषय था कि क्या फोटो के ऊपर से इसको किया जा सकता है। फोटो पर तो यह बिल्कुल काम नहीं करेगा, कहीं इसका विवरण नहीं है, परंतु जब हमने बैठकर अपने गुरुदेव के साथ बातें की तो इसका एक निष्कर्ष निकला दोस्तों, जो बड़े काम का है और इतने काम का है कि यदि हकीकत में बंधी हुई है किसी की भी बुद्धि तो वो इस पर अत्यधिक कारगर काम करेगा।
अब आप सोच रहे होंगे जब फोटो पर नहीं हो सकता, स्वयं नहीं है कोई भी व्यक्ति, तो फिर कैसे होगा? दोस्तों बस अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह बड़ी ही बड़ी काम की बात है, और यदि हकीकत में किसी की बुद्धि को बांध दिया गया है तो करके अवश्य देख लेना। आपके पास उस व्यक्ति के जो आपके पास नहीं रहता उसके वस्त्र जरूर होंगे। ध्यान रहे कि वह वस्त्र उसके पहने हुए वस्त्र हों। पहनने के बाद वह वस्त्र धुले हुए नहीं हों। पहनने के बाद कई बार बहुत से ऐसे वस्त्र होते हैं जो बिना धुले रहते हैं और मिल जाते हैं। ऐसे यदि वस्त्र मिल जाएं उनके कि जो पहने हुए तो हों पर पहनने के बाद धुले हुए ना हों, उन वस्त्रों पर यह प्रक्रिया सटीक काम करेगी और उसकी बुद्धि खुल जाएगी। करके देख लेना, विधि वही रहेगी जो मैंने उस वीडियो में बताई है। सामने अपना उनका वस्त्र रख करके 3 बार कपूर से एंटी क्लॉकवाइज वस्त्रों के ऊपर से घुमाना है, और घुमाने के पश्चात हाथ में लेकर के यही प्रक्रिया, यही मंत्र बोल देना है हनुमान जी का। यह मंत्र तो मैंने डाल रखा है, फिर मंत्र बोलकर मैं आपका समय नहीं बढ़ाना चाहता। अब किसी ने यदि उस वीडियो को देखा नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूं। अब इसका लिंक उसमें होगा, आप उसको खोलेंगे, दबाएंगे उसको उंगली से, तो आप आराम से उस वीडियो को देख पाएंगे। और कर लेना आप इन कपड़ों के ऊपर से, दोस्तों वही काम करेगा जो उनके शरीर पे काम करता है, परंतु फोटो पर कभी मत करना, बिल्कुल काम नहीं करेगा, इसका कहीं प्रमाण मिलता भी नहीं है। आशा करता हूं कि यह जानकारी भी आपके काम आएगी, और यह काम आप करेंगे तो इस काम में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि 100% आप जानते हैं कि किसी ने इसकी बुद्धि को बांध दिया है तो काम करेगी, अन्यथा दूसरी बातें भी हुआ करती हैं, पर आप निश्चिंत हो जाएंगे। यदि इस प्रक्रिया से वह आराम नहीं मिलता उसको, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि इसकी बुद्धि को बांधा हुआ नहीं है। आप कोई भी दूसरा उपाय करें, आपके लिए वह उपाय भी कारगर सिद्ध होगा। पर दोस्तों थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा आपको। करें, स्वयं करेंगे तो अति उत्तम लाभ होगा, और आपको ही नहीं जिसके ऊपर भी है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई है उसके ऊपर भी यह काम करेगा और वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताना। आपके लिए सिर्फ इतना ही है, आप अपने लाइक का ध्यान रख लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।